अभी हूँ मैं, और तजुर्बा मुझे सियासत का नहीं है, तजुर्बा मुझे लोगों के साथ मिलना है, लोगों से बात करने का, लोगों की परेशानी समझने का, उनके काम करने का मुझे तजुर्बा है। इंशाल्लाह ताला अगर मैं जीत जाता हूँ, मुझे मैंडेट मिलता है, तो फिर मेरे पास एक अथॉरिटी होगी तो जिससे मैं लोगों के मसले मसाइल जो परेशानी है वो मैं हल कर सकूँगा। जमात अली साहब के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मेरे को तो मेरे लिए मेरे उनके साथ ताल्लुकात भी हैं, तो फिर तो हम दोनों ही नए हैं, तो वो भी लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूँ। अब ये कंगन के आवाम तक है कि वो क्या फ़ैसला लेते हैं। ख़ासकर मैं सिर्फ कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में 2014 से लेके आज 2024 तक कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ है। आप कंगन में देख लीजिए कि हर जगह आपकी रोड कनेक्टिविटी है, पावर कनेक्टिविटी है, पानी का बहुत अच्छा है। आप कंगन में देखिए कि अस्पताल कितने अच्छे हैं। आप कंगन की देख लीजिए कि स्कूल हर जगह हैं। उससे पहले 2014 से पहले काफ़ी लोग जो हैं कंगन में वो मुलाजमत में भी लगे, गवर्नमेंट जॉब्स में लगे, एसपीओ लगे, जहाँ जहाँ जो जो लगना था लगे, फॉरेस्ट की जंगलात की हटें बनी, टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया गया। तो इंशाल्लाह ताला मेरा जो टारगेट है वो यही है, 14 से लेके 24 तक जो गैप है उसको दूर करना है। और मेरे लिए सबसे बड़ा जो आगे जो टारगेट है वो नौजवान है, वो टूरिज़्म सेक्टर है जिसमें मुझे बहुत काम करना है। तो मेरे दो टारगेट जो हैं वो यही हैं इस टाइम। माइनिंग जो है, माइनिंग हर किसी के लिए एक इशू है। एक ट्रैक्टर वाला जो था, एक क्रशर वाला जो था, एक टिपर वाला जो था, मज़दूर का इस पर एक आदमी नहीं, इस पर पूरा सर्कल बना था जो इस माइनिंग पर डिपेंड था। तो माइनिंग जो बंद की है ये बहुत 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 मतलब पहले ही लोग परेशान हैं, उनके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके ऊपर ये एक चीज़ थोपी गई है माइनिंग बंद करके। बाहर के ठेकेदार हैं वो काम कर रहे हैं, कश्मीरी को काम करने नहीं जा रहे, लोकल जो है उसको काम नहीं करने देते, बाहर वाले को काम करने। ये माइनिंग का काम जो है इंशाल्लाह ताला मैं जीतूंगा, मैं इस चीज़ को उठाऊंगा। कार्य में देखिए ना, हमारा जो दो है, एक तो वो टूरिज़्म है, यहाँ पे सेवन लेक्स का ट्रैक है, आपके पास सोनमर्ग है, आपके पास जो ये सेवन लेक का जो ट्रैक है, नारानाग है, वलीवाड़ से ऊपर एक और जगह है टूरिज़्म के लिए, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे लिए जो भी रहेगा वो एक बेरोज़गारी बहुत बड़ा चैलेंज है, वो टूरिज़्म सेक्टर ही उसको पूरा करेगा, टूरिज़्म सेक्टर उसको पूरा करेगा। यहाँ जेड मोड़ का जो टनल बन गया उसकी वजह से सोनमर्ग आपका पूरे साल खुला रहेगा। जेड मोड़ टनल जो है वो भी हमारे दौरान में आए, वो भी अगर आप देखोगे उसका वो भी हम ही ने उसका इनिशिएटिव लिया, मियाँ साहब के टाइम में हुआ। तो जेड मोड़ की वजह से सोनमर्ग को बहुत बूस्ट मिलेगा, पूरे साल सोनमर्ग खुला रहेगा, नौजवान यूथ जो है वो एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पर टूरिज़्म में, और माइनिंग जो कुछ चीज़ें हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी है यहाँ पर हम नौजवान को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह ताला ने चाहा जितना इनकी बेरोज़गारी दूर कर सके उतनी करेंगे। जो लोग आ रहे हैं, जो मेरे को मिल रहे हैं, मैं उनसे बड़ा मुतमाइन हूँ, मैं उनकी बात सुनता हूँ, उनके काम देख रहा हूँ कि उनको कितनी परेशानियां हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से लोग भी मुतमाइन हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, और मैं भी मुतमाइन हूँ।